आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुल्ली डंडा के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच। काफी ह्यूमिलेटिंग लॉस इंडिया ने, पहले तो काफी अच्छा स्टार्ट तो अच्छा किया था, 60 रन पे 3 विकेट ले लिया था, फिर उन लोगों ने दो सेंचुरी बन गए, बहुमा का और वेंडरसन का, और 296 ऑलमोस्ट 300 ले गए, और इंडिया एज यूजुअल कोलैप्स कर गई। जिसको चेजिंग टीम माना जाता था, चेस करने में काफी कंफर्टेबल रहती थी, आजकल तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो क्या हुआ, कहाँ गलती हुई बताओ भाई, सक्षम बताओ, काफी स्ट्रगल कर रहे हो तुम अपने एडजस्टमेंट में, पहले बता के यार निपटा दो। गलती गलती वही हुई जो कि पिछले कई सालों से हो रही है। मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं है यार, पता नहीं क्या रन ही नहीं बना पाते वो लोग, बनाए नहीं रन फिर से किसी ने, क्या कर सकते हैं। वैसे सैयर सब लोग पंत वंत सब सब आउट हो गए। शुरुआत तो अच्छी दी थी भाई शिखर धवन ने, और फिर कोहली और शिखर धवन जब खेल रहे थे लगा था कि मैच तो आराम से हम लोगों की पकड़ में है, बट जाते ही बैरिस्टियर विकेट भी जो आराम से समझ गिर गए। जाएगा क्यों अक्षित भाई? वो तो है ही। मतलब देखे दोनों अय्यर शॉर्ट बॉल पे आउट हुए फिर से। अय्यर तो पता नहीं कैसा बॉल पे आउट हुआ, लेग साइड में बॉल जा रही है, क्या आउट होता है भगवान जाने। कोहली भी बहुत ही गंदा आउट हुआ बे, सॉफ्ट डिसमिसल जिस हुआ इससे करके पता नहीं सब। मतलब ओवरऑल हम तो बोलेंगे बॉलिंग भी इसका अच्छा नहीं हुआ था ना, 3 विकेट गिरने के बाद भी वो लोग उतना रन बना गए, वो भी कौन कौन पता नहीं ये सब। क्या मार रहा था भाई, उसका स्ट्राइक रेट 120 130 का था बताओ। वो और अपना टेस्ट वो मैच का फॉर्म कैरी किया इधर। वही, और वो उसको मतलब ओवरऑल तो खराब ही था। कैच छोड़े कितने, कैच छोड़ेंगे तो होगा ही है, 2 3 कैच छूटे हैं, तो दिक्कत तो ओवरऑल सब जगह है, खाली बैटिंग में नहीं है, बॉलिंग में भी है, फील्डिंग में भी है, सब जगह है। अब ये कहना गलत होगा ना कोहली। अब देखो केएल राहुल था, केएल राहुल भी कैसे आउट हुआ, बहुत ही गंदा हुआ। क्या बेटा सही बोल रहे हैं एकदम एकदम लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इनिंग्स में जैसे पिच तो नॉर्मल था, पिच बैटिंग वाला पिच था, साफ साफ दिख रहा था क्योंकि साउथ अफ्रीका के विकेट गिरे। जो बुमराह की बॉलिंग अच्छी थी शुरू में, जो इंडिया ने 3 विकेट लिए बॉलिंग अच्छी थी, उसके बाद पिच एकदम पूरा फ्लैट हो गया, आराम से रन मार रहे थे। तो मतलब पिच में कुछ मदद नहीं था, इंडिया की बैटिंग कोलैप्स बहुत बेकार थी। और जैसा सक्षम अक्षित बोल रहा है, मिडिल ऑर्डर सही में बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। ऐसे ऐसे डिसमिसल, कोहली का सॉफ्ट डिसमिसल, और केएल राहुल तो पता नहीं क्या है, मतलब कैप्टनसी करती है, क्या आउट हो यार रहा मैं था भाई बहुत वो। दुखी हूँ। वो मार्करम को विकेट दे दिया यार, हाँ मतलब बताओ तो, समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ये बॉलिंग क्यों कर रहा है। मार्करम का मुझे एक समझ नहीं आया यार, वो इतना इतना आगे फ्रंट फुट वाला बॉल कर रहा था, सब बैक फुट पे खेल रहे थे उसको पूरा, पता नहीं क्यों डर रहा था कि मारने नहीं जाना है, विकेट नहीं देना है, क्यों फ्रंट फुट पे आया ही नहीं कोई। भाई जैसे कोई फॉर्म में रहता है प्लेयर तो फीट मूवमेंट रहता, आगे बढ़ के ड्राइव दिया, नज किया, कुछ नहीं, सब बैक फुट में पंच, आराम से रोक रहा है, डिफेंस कर रहा है, मार्करम जैसे पार्ट टाइम बॉलर को। और और मतलब देखो ना, पिच तो था ही अच्छा, शार्दुल ठाकुर लास्ट में आके लग रहा था उसके लिए पिच की डिफिकल्ट है, वो आराम से मार रहा था, आराम से खेल रहा था, एक्चुअली उसके पिच लिए तो अपने कोई लिए बोल। ज्यादा सुटेड था, स्लो था, बाउंस हाँ नहीं था, पूरे सबकॉन्टिनेंट बहुत, जैसा पिच था ये। हाँ सही में मिडिल ऑर्डर बहुत बेकार खेला सही में। और पता नहीं पंत और अय्यर फिर वही स्टार्ट देके एकदम ऐसा डिसमिसल जो कि होना नहीं चाहिए उस मोमेंट पे, बहुत डिसअपॉइंटिंग बैटिंग। बॉलिंग में तो मान सकते हो यार वो पिच था वैसा खा सकते हो तुम रन, लेकिन बैटिंग बहुत बेकार की इंडिया ने, और और आजकल 300 फील्डिंग। के नीचे अगर रोक देते हो तो ठीक ठाक ही बॉलिंग माना जाता है वनडे में, और क्या, हाँ और ये क्या तो इजीली है अर्णब, चेसेबल तुम बताओ अर्णब तुमको क्या लगा? है। अब मैं तो भाई बहुत ही दुखी हूँ बॉलिंग से भी, क्योंकि 60 रन पे 3 विकेट होने के बाद बबूमा और वेंडरटसन, भाई इन दोनों को 200 रन का पार्टनरशिप दे देना, मतलब ये तो हजम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं कि ये कैसे हो गया। ठीक है पिच जो भी है, 200 रन इनके आजकल, 200 रन का पार्टनरशिप चौथा पांचवा विकेट में कहाँ देखने को मिलता है भाई, लेकिन वो भी इन दोनों ने इस तरह से मारा है। उसके बाद तो भाई जब 2 1996 हुआ था, मुझे लग रहा था कि मोमेंटम उन्हीं के साथ है, लेकिन फिर इंडिया ने शुरुआत बहुत अच्छा किया था, केएल राहुल का विकेट गया गया, लेकिन धवन कोहली बहुत सही खेले, मुझे लगा था भाई 45 ओवर में गेम खत्म। सेम सीन हुआ, धवन आउट हुआ, कोहली का सॉफ्ट डिसमिसल, फिर तो पूरा टीम ही कोलैप्स हो गया। और उसके बाद पता नहीं किसी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है नहीं, वही जैसे वही कोई तैसे टिका क्यों नहीं लास्ट तक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा।
ऐसी अंडरहैंड शॉट मार रहे, आउट हो रहे हैं, क्या लग रहा है? इतना कैजुअल ले लिया लगता है साउथ अफ्रीका को इन्होंने बहुत। वही असल प्रॉब्लम वही हमको लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं क्या ऐसे इंपेल देंगे एकदम गिरे हुए भाई तो ऐसा कैजुअल ऐसे। क्यों ले रहे हैं? टेस्ट मैच में तो हार के आ ही गए, तो समझ में वही नहीं आ रहा है तो, कि यार क्या किस अच्छी बात टीम का है यार। कॉन्फिडेंस मेरे को तो। हाँ ये एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है, ओ किस बात का कॉन्फिडेंस है यार? वेंकटेश अय्यर को खिलाया था ऑलराउंडर के तौर पे, ठीक है, बॉलिंग भी बॉलर खराब फिट दे रहे, मिडिल दिया। ऑर्डर में एक ओवर नहीं दिया उसे, तो वही तो क्या भाई समझ में ये, क्या पॉइंट है हाँ उसको खिलाने का? बैटिंग में टी बेचारा ट्वेंटी में ऐसे भी स्ट्रगल यही करके करवाए चला थे गया। ना, T20 में भी यही कराए थे उसको, खिलाया तो ऑलराउंडर जैसा रहते हैं, लेकिन बॉलिंग कराते ही नहीं है, पता जब नहीं क्यों। मिडिल, हाँ जब मिडिल ओवर में नहीं कर रहा विकेट भाई तुमसे, तो ट्राई करो पार्ट टाइम वही बॉलर। तो, और क्या करना ही चाहिए और अब तो। जबकि पहले केएल हाँ राहुल ने उसमें इंटरव्यू में बोला कि उसको हम एज अ सिक्स्थ बॉलर खिला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत एडवांटेजियस है, तो क्या एडवांटेज वो भूल उठाया गया बताओ ना फिर। हाँ केएल राहुल भूल गया मैच में कि यार इसको भी एक और बॉलर है हमारे पास। उसके एक चीज ये हर्षा भोगले ने पॉइंट किया था ट्विटर पे, कहता कि हमारे जितने भी पहले की जनरेशन रही है, हमारे अब बैट्समैन जो रहते थे तो टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर के, उनमें से कुछ को सबको थोड़ा थोड़ा बॉलिंग कराना आता था। सहवाग को हाँ आता था, सचिन को आता था, गांगुली खुद कर लेता था, जितने भी आते थे वो पॉइंट। लोग बॉलिंग कर लेते थे तो युवराज पिचिंग कर सिंह, देते। हाँ युवराज सिंह तो भैया चलो ऑलराउंडर जबरदस्ती था, तो सब लोग केवल ही मोहम्मद कैफ था था भाई जो बॉलिंग नहीं करा पाता हाँ, तो फील्डिंग करते था। थे उसको खिला लेते थे, अब ये नहीं तो कर मतलब कि कोई दो ओवर पिचिंग कर दिया, कुछ हल्का सा चेंज आ गया, कोई मारने आया तो उसको आउट कर दिया, वो नहीं होता था। गांगुली को तो गोल्डन सही आर्म में ही बोला जाता था। तो जैसे कि माकरम को आउट दे दिया हम लोग, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अय्यर था उसको तो खिलाया ही नहीं, उसको बॉलिंग कराया ही नहीं, बट ये चीज तो हो गया। हमारे पास विकेट कीपर साले खूब सारे हो गए, ये कैसे सीन है भाई? है तो यही बात है ना, जनरेशन जनरेशन। पहले तो रोहित शर्मा भी करा देता था भाई बीच हाँ, में, रोहित शर्मा विराट छोड़ कोहली दिया, कब कर का देता छोड़ था ना दिया। यार। हाँ कब का छोड़ दिया, उन्होंने कभी बिल्ड ही नहीं किया उस स्किल को। नहीं वही तो बात है, पता आजकल नहीं, इंडिया टीम खाली स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करता है भाई। और उसमें भी हक के चले तो जाते भाई हैं स्पेशलाइजेशन ये होना चाहिए ना कि हाँ तुमको एक काम दिया जाए, तुम करके दिखाओ, उसमें भी कहाँ पिल अपना। जा रहे हो फिर बार 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 बार। पहले पहले सोचो जब इंडिया अच्छा फॉर्म में रहता था, 296 तो ऐसे ही है, ये तो आसान है, 40 ओवर में लगता है टारगेट होगा, चेस वही करने तो वाला जब सही टीम है। होता था, होता और वही भी तो, अब देखो भाई ऑल आउट होने से बच रहे हैं, बताओ ये दिन देखना पड़ रहा है था। वहां अब जो टीम भी। में किसी का बैटिंग देखे आजकल भरोसा भी नहीं लगता कि ये ले जाएगा, पहले हर किसी पे लगता था जो भी था, कोई नहीं कोई तो धोनी आके मेरे ले को लगता है जाएगा सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन तो इंडिया का शिखर धवन है, उसको मौके ही नहीं देते हैं। वो हमेशा। जब भी उसको मौका देते हैं हाँ वो सीरीज बड़े में एक दो टूर्नामेंट्स बार में तो खिलाना चाहिए उसको, हाँ हमेशा यार अच्छा प्लेयर है, ICC टूर्नामेंट्स में तो हमेशा अच्छा खेला है वो, कब से खेला वर्ल्ड नहीं में। भाई, वो आया भंद से मार दिया 6 रन। सही बात है, उसको चाहिए भी नहीं टाइम सेटल होने के लिए, आराम से 100 के और ऊपर 100 का स्ट्राइक स्ट्राइक रेट से रेट खेल तो रहा हमेशा था। रहता है उसका। हाँ वो और उसका कॉन्फिडेंस देखा पिच पे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाँ भाई प्रेशर बिल्कुल नहीं है, कूल। हंसते हाँ खेलते मस्त खेलता रहता है। शिखर वही एक धवन पॉजिटिव, सही और है क्या, और कुछ तो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है आपको? कोहली का 50 तो 50 बनाते ही आ रहा है, 50 ही बनाएगा भाई। लग रहा है मेरे ऐसा। को सबसे ज्यादा नेगेटिव ये लग रहा है कि केएल राहुल का कैप्टेंसी किंग्स इलेवन पंजाब में तो देखा ही था, अब यहाँ भी देख रहे हैं, और फिर मेरी नहीं टीम अच्छा लखनऊ के साथ भी पिल जाएंगे भाई, वही कैप्टन गैंग हो गया, ये पर्दा भाई तोड़ दे दिया उसको। कैप्टेंसी छोड़ो यार, मुझे वो टीम का मेन स्टे ही नहीं लगता, वो परमानेंट टीम में टीम का मेंबर नहीं है अभी इंडिया में। कैप्टन रोहित शर्मा का भी अब एज हो रहा है, किसको बनाएंगे? वो खाली अपने प्लेस के लिए खेलता है बे, जगह के लिए, वो कभी टीम के लिए नहीं खेलता, देखते हो जिसमें उसको राहुलवा निकालने सही का में। होता, हाँ जिस समय ये, निकालने का बात हो जाएगा ना, तो 70 बॉल पे मतलब अरे 30 रन 40 रन भाई बना देगा ऐसे भाई बस, भाई टेस्ट में भाई सेंचुरी सही बैक भाई टू सही कह रहे हो यार, ये पॉइंट अगर दो तीन बैक। साल से मैं पहले सही कह रहे हो, पहले नोटिस नहीं करता था, लेकिन अभी 2-3 साल से सही में जब कॉन्वर्सेशन होने लगी ना, तो ऐसा लगता है जब उस पर बात आती है ना तभी तो रन वो मारता है, हाँ, तब वो सोचता है कि अपने अब तो लिए बनाना खेलता ही है बस, पड़ेगा। हाँ, और अपने टीम लिए के लिए खेलता नहीं है। खेलता है भाई। सेम नहीं तो इंग्लैंड में हुआ था ना, दोनों ओपनर्स इंजर्ड हुए, ये थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस था, ये आया 2 सेंचुरी मारा, कैप्टेंसी में अभी इसका नाम आ रहा है देखो। कैप्टेंसी में कैप्टेंसी नाम तो तो बहुत ऋषभ पंत का भी आने बेकार लग गया है भाई टेस्ट के है। हाँ यार, अबे वही लिए। एक परमानेंट प्लेयर दिख रहा है टीम में, और कौन है जो टीम में, एक बुमराह को छोड़ के जो बुमरा, टीम में बुमरा है तीनों बे, तीनों वही, उसको बुमरा छोड़ के कह रहा हूँ, उसको छोड़ के और तीनों कौन है जो तीनों फॉर्मेट में फॉर्मेट में कंसिस्टेंट तो है? कोई कोई नहीं नहीं है। है।
बुमराह को बनाओ भाई पुराने टाइम की तरह, जैसे इमरान खान ये सब खुद रहते थे। हाँ खुद चला जाएगा बनाओ। थर्ड मैन में बोलेगा अपने मन से रह लो भाई, तुम लोग सब जिसको यहाँ कर रहा है अब आराम पैट से। पैट कमिंस को देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कैप्टनसी कर रहा है भाई, जीरो फोर जीरो लपेटा है चार जीरो भाई, बताओ। क्या गंदा पेले में। रूट रूट का इंटरव्यू देख रहे, बेचारा शर्मसार है, क्या बोलेगा, बोलेगा कि अब किसी उसका पर्टिकुलर का गलती थोड़ी है, पूरा टीम ओवरऑल खराब कर रहा कैप्टनसी पे है। अभी बहुत बात उठ रहा है उसका भी, क्या पूरा टीम ही जब हार रहा है तो क्या करेगा बेचारा वो जैसे इंडिया हारती थी भाई, वैसे ही हार के आया बहुत गंदा भाई। इनिंग चार को, जीरो बहुत लॉस गंदा करके भाई सब तरीके से क्रैशेस हार में, के। वो तो भाई वो फोर्थ टेस्ट मैच इन्होंने बचा लिया रोते रोते भाई, 9 विकेट हो गए थे उसमें भी, आउट कभी भी हो सकता था वो, 5-0 होता भाई तो हाँ वॉश हाँ होता एक होगा विकेट भाई। से, एक विकेट से हाँ बच गया, और उसमें भी कितना खुश एंडरसन, और ये दोनों ट्विटर पे बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रॉड और एंडरसन, हमने मैच बचा दिया फॉर अ चेंज इस बार बैट से। सही है भाई उनके साथ तो। छोड़ो भाई तो ये बताओ कि इंडिया हमारे जो दो मैच बाकी है भाई, हम लोग का प्रिडिक्शन अभी गौतम गंभीर जैसा होने लगा है, जो तब से हर बार इंडिया जीते प्रिडिक्ट करते हैं और हारते हैं हर मेरे को लग बार। रहा है कि यार राहुल देखो बैटिंग कंडीशंस रखेंगे इंडिया, अगर ढंग से खेले अपने पोटेंशियल भी खेले तो 2 मैच जिता देगी, निकाल लेंगे हम लोग, बट ऐसे बिल्कुल बिलो पार खेलेंगे तो यार क्या ही कर सकते हैं। पोटेंशियल तो है भी हम लोगों को हराने का, क्योंकि अगर ऐसा फ्लैट पिचेस आराम से आएगा हम हराना लोग चाहिए, बैटिंग बहुत मारेंगे मारना वे। तो ये चाहिए। बात भाई बताओ कि नेक्स्ट मैच में कोई चेंजेस टीम में देखना चाहते हो कि नहीं? ऋतुराज ईशान गायकवाड है स्क्वाड में, और कौन कौन है? ईशान किशन ही सब है, है ईशान ईशान किशन है। किशन भी है। वन देखिए आओ, राहुल को तो बैठा नहीं सकते, धवन मार ही दिया है तो ओपनर खत्म हो गया। हाँ एक कहाँ से ओपनर लाओगे बैटर अब चाहिए, अय्यर को निकालना गलत है ना भाई, श्रेयस अय्यर को अय्यर नहीं, को नहीं मैं निकाल विंकी सकते, अय्यर वेंकटेश को। हाँ अब अय्यर हटाएगा को, जरूर, किसी ना किसी का तो निकालेगा हमको लगता वेंकटेश है अय्यर फिर ले आएगा फर्जी का, अभी वो बेचारे तो को। गलत बात हुई ना भाई, एक मैच कोई में तुम निकाल दे रहे हो। ना कोई तो जैसे आके हमारा खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती का करियर खत्म हो गया भाई 1 मैच वर्ल्ड से। कप में, वर्ल्ड कप से ही खत्म हो गया। क्या लगता है तुमको, इंडिया जीतेगा अगला दो मैच? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ आजकल लिया। आजकल भरोसा ही उठ गया है भाई टीम से। वो सही में जो केक वॉक लगता है साला बंदा वो भी नहीं होता इनसे, 50-50 है भाई। दोनों मैच 50-50 है। इंडिया बैटिंग अगर ढंग से करे तो भाई जीतने तो दोनों चाहिए, बैटिंग नहीं सही कर बात पाएगी है। तो नहीं जीतेगी, बस यही एक सोल्यूशन है इसका। अब बॉलिंग में तो मान के चलो कि पिटेंगे ही, कोई प्रॉपर बुमराह को छोड़ के मुझे लगता है कोई फॉर्म में। सेम ही जगह है, सेकंड मैच भी सेम ही जगह जहां पहला था ना, हाँ हाँ शायद सेम वही है, मैं तो देख वही है बॉलिंग का स्पिन स्पिन यार स्पिन थोड़े ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है इंडिया, नहीं स्पिन हो रही थी यार। बॉल ये अच्छी खासी। अश्विन आके टीम पे बोझ बन गया यार, एक तो पिटाता है वनडे में, पिटाया पिटाया, ऊपर से वो बैटिंग वीक हो जा रहा है, पहले जड्डू था तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो बैटिंग स्ट्रांग था, पता नहीं यार अब भाई 6 विकेट गिर जाते तो इंडिया खत्म हो जा रहा है भाई उसके बाद, और 20 रन नहीं बनते इंडिया के। लॉर्ड तो मारता है वही भाई। एक लॉर्ड के भरोसे ही, लॉर्ड का 50 हटा तो भाई हम सारे कहाँ रहते, 210 205 भाई में सर खत्म एंड लॉर्ड की पार्टनरशिप मुझे देखनी है, लेफ्ट हैंड हाँ राइट हैंड यार। बना बंद। तो भाई अब अगला बताओ, बहुत ही इजी सा सवाल सबके लिए भाई, गुल्ली डंडा गेम चेंजर ऑफ द मैच। वेंदर दुशन मेरे लिए तो वही है, भाई अच्छा खेल के गया। सबके लिए वही है, सबके लिए वही है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी था, बहुमा तो फिर भी बॉल खा रहा था, ये तो जो पेले था एक तरफ से, बहुत मारा भाई, बहुत ठीक मारा, धागा खोल दिया ये है। भी। ये तो डेंजर है। मैन, नेक्स्ट नेक्स्ट मैचेस में तो मैन टू लुकआउट फॉर बन गए हैं भाई ये, अभी बुढ़ापे के एज फिर मारेगा हमको में। लग रहा है भाई, हमको लग रहा है फिर मारेगा, अगला मैच में मारेगा, हाँ ये भी सोच कॉन्फिडेंस रहा हूँ। बहुत हाई है भाई उसका, टेस्ट मैच से सोच लेके रहा अभी तक। वही ना, सोच रहा इसी में जितना सेंचुरी हो सकता है यहीं खींच लो भाई। बाद में बने ना पर्पल बने। पैच चल रहा है हमारा, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन हम रैप अप करते हैं, हमारे हिसाब से फिर से बीइंग ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, इंडिया जीत सकती है सीरीज, बट देखते हैं क्या होता है, और गुल्ली डंडा गेम चेंजर हमने दिया वांडर डसन को, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, छोड़ के मत जाइएगा, कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, कमेंट फायदा कीजिए कम हो क्या जा रहा है इम्प्रूवमेंट भाई। चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे।